सियापति रामचंद्र महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, टीबीपी मुकेश चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको सनातन से जुड़ी, धर्म से जुड़ी हर वो कथा पहुंचाते हैं जिसके आप हकदार हो, जिसे आप जानना चाहते हो। और हमारे इस चैनल में आपको हर वो पूरी जानकारी मिलेगी और पूरी कथा मिलेगी जो आपको और किसी चैनल में नहीं मिल सकती। हमारे इस चैनल में आपको पूजा से जुड़ी हर वो वीडियो मिलेगी जिसे आपको देखकर आपके घरों में ग्रहों की शांति होगी और परिवार में प्रेम बढ़ेगा और सभी की आयु में वृद्धि होगी। और जैसे कि आज मैं आपको रविवार के व्रत की पूर्ण विधि और कथा बताने जा रहा हूँ और पूजा विधि लाल किताब के उपाय, रावण संहिता के उपाय, प्रचलित कहानियाँ, मान्यताएं, भक्त और भगवान से जुड़ी सच्ची कहानियाँ, वेद पुराण शास्त्र और ग्रंथों में दिया गया ज्ञान आसान और अचूक टोटके शेयर करता हूँ। यदि आपको ऐसी जानकारी अच्छी लगती है, आप ऐसी जानकारी से कुछ ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हैं, तो फिर ये चैनल आपके लिए बहुत अच्छा और उत्तम चैनल है। तो मेरे इस चैनल टीबीपी मुकेश को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भगवान के प्यारे भक्तों, भगवान का नाम जपना भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के समान है जिससे जीवन के लोन से मुक्ति मिलती है। तो कृष्णा जी का चैनल और कृष्णा जी के दर्शकों को राधे राधे और जय श्री कृष्णा। तो आइए, आपका समय ज्यादा व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको रविवार के व्रत की संपूर्ण विधि और कथा बताता हूँ। तो रविवार के व्रत की विधि और कथा इस प्रकार आती है कि सभी मनोकामनाओं की पूर्ण हेतु रविवार व्रत यानी भगवान सूर्य देव का श्रेष्ठ व्रत होता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा को स्मरण करें, भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए, भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में सूर्य व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण ना करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है और शत्रुओं का क्षय होता है। जैसे भगवान श्री राम सूर्य देव की उपासना करते थे और अपने शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त की, उसी प्रकार आप भी भगवान सूर्य देव के इस व्रत को इसी विधि से करके शत्रुओं पर विजय पा सकते हो। आंख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। एक बुढ़िया थी, उसका एक नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि ये वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन किया और ना ही भोजन बनाया और भगवान को तो भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वे भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा, तो वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया।
तब भगवान सूर्यदेव ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गो देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गो के गोबर से घर लेपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और प्रसन्न होकर तुमको ये वरदान देता हूँ तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, और जब वृद्धा की आंख खुली तो वे देखती है कि आंगन में एक बहुत ही अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वे गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वे ईर्ष्या के कारण जल उठी, और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है तो वे उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गो का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वे नित्य प्रति ऐसा करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को उसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर भगवान सूर्यदेव सोचने लगे कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी तो बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वे वृद्धा ने देखा कि गो ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही, और वे प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उदन पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लग गई है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वे ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय ना देकर उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा कि हे महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वे प्रतिदिन नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए, वे वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने ये बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर भेजा और गो लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन की तैयारी करने लगी, और गो खोलकर राजा के सिपाही गाय को अपने साथ ले गई। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देख बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वे उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देखकर घबरा गया तो भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी अपने आप ही दूर हो गई, और उसी दिन राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत सभी करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था, और सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलिए श्री सूर्य देव भगवान की जय। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के प्यारे भक्तों, मेरी ये कथा अगर आपको अच्छी लगी हो, प्यारी लगी हो, सुंदर लगी हो, तो मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि मैं अब और कौन सी कथा आपके लिए ला सकूं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी अद्भुत कथाएं, अद्भुत जानकारी, रोचक जानकारियां आपके लिए ला सकूं। तो मेरे इस चैनल टीबीपी मुकेश को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा साथ दीजिए, और सनातन धर्म की ओर बढ़ने के लिए आइए एक मिलकर जे इस प्रकार बोलें कि हे सचियां ज्योतां बाली माता त्वाडी सदा ही जय, श्री सूर्य देव भगवान की जय, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा।